सो हेलो गेमर्स, कैसे हैं आप लोग? यहाँ सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम करने वाले अपने वन प्लस 12 यहाँ पर 5G के अंदर BGMI को टेस्ट। तो गाइस फाइनली गाइस हमारा भाई ये फ़ोन भाई इंडिया के अंदर भाई लॉन्च हो चुका है। इसमें गाइस हमको यहाँ पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। आप भाई पीछे से भाई सेटअप देख सकते हो हमारा भाई कैमरा को, और भाई यहाँ पर आप भाई बीस्ट गेमिंग कर सकते हो अपने भाई CUDA के अंदर। अगर कैसे हम भाई BGMI की बात करें तो आपको भाई इसमें मिल जाता है भाई क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन जनरेशन 3, जिसमें गाइस आप भाई 9 FPS तक के भाई इस फ़ोन के अंदर यहाँ पर गेमिंग कर सकते हो। अगर आप भाई मैक्सिमम बात करें तो आप भाई अल्ट्रा खेल सकते हो, यानी कि भाई इसमें आप भाई 9 FPS के अंदर अपने भाई यहाँ पर गेमिंग वगैरह कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। आपको भाई इस फ़ोन के अंदर यहाँ पर 9 FPS की गेमिंग मिल जाती है, जो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। तो फटाफट से कैसे अपने भाई हम TDM को स्टार्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर कैसे भाई FPS मीटर वगैरह भाई चेक कर सकते हैं हमारे भाई कितना ज़्यादा भाई FPS आ रहे हैं भाई। ठीक है, अभी कैसे देख सकते हो मैंने 9 FPS हमारे इनेबल कर रखा है, इस वजह से कैसे भाई मेरे 9 FPS आ रहे हैं। बाकी भाई आपको फ़ोन के अंदर भाई यहाँ पर कर्व डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और भाई जो आपको भाई बैटरी बैकअप मिलता है भाई फ़ोन के अंदर भाई काफ़ी ज़्यादा आपको OP देखने को मिल जाता है, मतलब भाई सभी फ़ोन के हिसाब से आपको भाई इसमें ज़्यादा बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। बाकी भाई आप इसमें चार्जिंग वगैरह भी भाई काफ़ी ज़्यादा आपको फास्ट देखने को मिल जाती है। और भाई जो कर्व डिस्प्ले होती है आपको पता है भाई काफ़ी ज़्यादा आपको भाई ये प्रीमियम में भी फील कराती है, आपको भाई इसमें गेम खेलने में काफ़ी ज़्यादा भाई मज़ा आने वाला है। बाकी भाई आप डिवाइस के अंदर आपको जो भाई जायस्कोप मिलता है आपको भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है, मतलब भाई इसमें आप जायस्कोप में यहाँ पर अच्छी खासी गेमिंग भाई कर सकते हो। इतना भाई इसका जायस्कोप की बात कर सकता हूँ, मतलब भाई जायस्कोप इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। बाकी कैसे हम बात करें यहाँ पर आप गेमिंग वगैरह देख सकते हो, हमको भाई 1% का यहाँ पर कुछ भी डिले वगैरह नहीं दिख रहा भाई जायरो के अंदर। और भाई जायरोस्कोप अगर आप भाई हाई सेंसिटिविटी में खेलोगे यानी कि भाई 400 पे, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भाई एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा, मतलब भाई 1% का आपको इसमें जायरो डिले देखने को नहीं मिलता। बाकी भाई गेम की बात करें तो आप इसमें 9 FPS भाई ठीक ठाक अच्छी खासी गेमिंग निकाल सकते हो, आपका भाई फ्रेम रेट वगैरह ज़्यादा नहीं होगा, आपके भाई जो FPS काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। आप देख सकते हो मेरा भाई रिकॉर्डिंग में गेम चल रहा है और भाई काफ़ी ज़्यादा भाई स्मूथ गेम मेरा वर्क कर रहा है भाई 9 FPS के अंदर भी। हाँ भाई थोड़े बहुत आपके भाई जब आप भाई होल्ड वगैरह में कूदोगे भाई रिकॉर्डिंग के अंदर आपके थोड़े बहुत फ्रेम यहाँ पर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन भाई अगर आप भाई बिना रिकॉर्डिंग खेलोगे तो गाइस आपका भाई बिल्कुल OP गेम चलने वाला है, जैसे आप सामने देख सकते हो। तो इसके बाद आपको भाई एरंगल गेम टेस्ट हो जाएगा, उससे कैसे आप अच्छे से उसके पता चल जाएगा हमारा भाई एरंगल का मतलब गेम पे कैसे वर्क कर रहा है। बाकी भाई अगर आपको वीडियो पर हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना भाई चैनल को, काफ़ी ज़्यादा कैसे हम भाई करीब अपने 5K के जो आप भाई कंप्लीट करवा सकते हो। बाकी भाई हम मिलते हैं भाई वीडियो के एंड में, आप भाई गेम प्ले को एंजॉय करो।
match is over, and the blue team... Victory!